हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे. सो एक डिफरेंट सी ये मैं वीडियो लेके आई हूँ. वैसे तो टैरो की रीडिंग्स की ही वीडियो रही है अब तक. एक छोटा सा डिफरेंट सी चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी है यंत्राज के बारे में. यंत्राज क्या होते हैं, क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और न्यूमरोलॉजी में काम करती हूँ. न्यूमरोलॉजी का मेरा रीडिंग्स भी रहता है, सेशंस रहते हैं. सो यंत्राज होते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. यानी कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें कुछ सीक्वेंस है, उसमें कुछ नंबर्स हैं. उसमें कुछ नंबर्स रिपीटेटिव भी होते हैं और कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं. सो जो नंबर रिपीटेटिव हैं, उनका भी आपकी थ्रू आउट लाइफ में, डेस्टिनी में, फेट में पूरा इफेक्ट रहता है. और जो नंबर मिसिंग हैं, उनका भी इफेक्ट रहता है. सो ये सारी की सारी जो गेम है, जो लाइफ की गेम है, जो पजल है लाइफ की, जो सॉल्व हम नहीं कर पाते हैं, उसमें मिसिंग पीस ऑफ पजल्स जो होती हैं ना, ये नंबर्स ही हैं. मेरी डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 5 नहीं है तो नहीं है, वो मिसिंग है. वो अपना एक पार्ट प्ले करेगा, ठीक है. अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर 8 है, 8 टू टाइम्स रिपीट है या 4 टाइम रिपीट है, तो वो शनि का प्रकोप बढ़ेगा, ठीक है. वो अपना एक रोल प्ले करेगा. अब अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 जो है कई बार रिपीट है, सो मुझे एंगर इश्यूज होंगे, वो होंगे, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं. सो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो नंबर मिसिंग है वो मिसिंग है, और जो रिपीट मोड में है वो रिपीट मोड में है. तो उनके मिसिंग होने की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके रिपीट मोड में होने के कुछ अलग आपको इश्यूज रहते हैं लाइफ में. सो उन्हीं प्रॉब्लम से निपटने के लिए मैं बनाती हूँ हैंडमेड यंत्रास. ये मैं खुद ही बनाती हूँ, अपने हाथों से बनाती हूँ, शुभ मुहूर्त में बनाती हूँ और शुभ दिन बनाती हूँ. ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन बना देंगे, कभी भी बना देंगे, कहीं भी बैठ के बना देंगे, नहीं. इसके लिए आपको एक कंसेक्रेटेड स्पेस, यानी कि बिल्कुल पूजा वाला जो आपका स्पेस है, बिल्कुल मंदिर के जैसी जिसकी प्रतिष्ठा आपने की हुई है, वहाँ बैठ के बनाना है. आपका मन भी ठीक होना चाहिए, बनाने वाले का मन भी बहुत प्रसन्न और बहुत ही उसके इमोशंस बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आया हुआ है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप यंत्रा बना दोगे. नहीं, यंत्रा बनाने में ढेर सारी लिमिटेशंस हैं. यानी कि टाइम भी आपको देखना है, दिन भी आपको देखना है, ठीक है. आपको पक्ष भी देखना है, किस पक्ष में यंत्रास बन रहे हैं, ठीक है. होरा भी आपको देखना है कि होरा कौन सा है, यानी कि शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि सबसे अच्छे यंत्रास बनाए जाते हैं सन की होरा में, जुपिटर की होरा में और वीनस की होरा में, ठीक है. सो दिन में 3 या 4 घंटे ही होते हैं जिसमें हम यंत्रा बना सकते हैं. और फिर ये है कि उसी होरा में कंप्लीट भी करना है हमें यंत्रा को, जो शुरू किया है. दोनों साइड हम बनाते हैं, इधर भी और इधर भी, फिर दोनों को कंप्लीट करना उसी होरा में. सो ये काफ़ी एक चैलेंजिंग सा काम भी रहता है, पर दूसरों की हेल्प करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और इसमें ना ढेर सारा सामान भी हमें चाहिए होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चल जाएगा. ये भोजपत्र है तो ये भोजपत्र पे ही बनेगा, आपको भोजपत्र पे ही ये बनाना पड़ता है. तो मैं भोजपत्र पे ऐसे इसको बनाती हूँ. इसकी कुछ सामग्री होती है, इसे बनाने में हमें अष्टगंध चाहिए है. कुछ लोग अष्टगंध, ठीक है, और उसके साथ केसर मिक्स होता है साथ में, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं. कुछ लोग केसर और अष्टगंध को अलग अलग मिक्स कर लेते हैं, उनको गंगा जल में हम मिक्स करते हैं, और ठीक है. और कुछ लोग केसर डाल लेते हैं इस चीज़ में रेड कलर करने के लिए, और कुछ लोग जो रेड चंदन वाला टीका होता है ना, उसको यूज़ कर लेते हैं. सो ढेर सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास. और इस तरह से केसर का, चंदन का टीका जो आता है, उस वाली चीज़ों को हम सारा यूज़ करके इसको बनाते हैं. अब आप पूछेंगे यंत्रा क्या है और इनको क्यों बनाते हैं और इनका क्या इफेक्ट है. एक इंसान है जिसको लाइफ में ना नेम एंड फेम चाहिए, वो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन ना उसको नेम एंड फेम नहीं मिल रहा है. सो उसमें हेल्प करेगा यंत्रा. सन का यंत्रा हम उसको देंगे, ठीक है. एक इंसान है, और खासकर लेडीज़ में ज़्यादा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का इशू है, यानी कि डिप्रेशन है कहीं ना कहीं, मूड स्विंग्स हैं, गुस्सा आ गया फटाफट से, मूड स्विंग्स हो गए, इस तरह के इश्यूज हैं, नींद ना आने की प्रॉब्लम है. सो उस तरह की इश्यूज में जो हेल्प करेगा वो मून का यंत्रा होगा. कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो उनको हम देंगे जुपिटर का यंत्रा, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी उस चीज़ से. कुछ बच्चे हैं जिनको गेमिंग का, मोबाइल का बहुत एडिक्शन है, ठीक है, तो उनको हम राहु का यंत्रा देंगे, ठीक है, राहु इन चीज़ों में ठीक करता है. कुछ लोग हैं जिनको अल्कोहल एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और थोड़े अलग तरह के शौक, शौक कहें कि क्या कहें कि गलत शौक हैं, ठीक है,
तो उनमें अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चले रहते हैं, वहाँ पे हम राहु का यंत्र उनको दे सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वहाँ पे हम मरकरी का यंत्र उनको देते हैं। और कुछ लोगों का क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है कि बहुत लोगों को यहाँ पे रिलेशनशिप्स में इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, सो उनके लिए हम वीनस का यंत्र देंगे। कुछ लोग हैं जो लाइफ में लग्जरीज को इंजॉय करना चाहते हैं, लग्जरीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे भी अगेन हम देते हैं वीनस का यंत्र। कुछ लोग हैं जो शनि की साढ़े साती से बड़े परेशान हैं और उसके लिए हम देते हैं शनि का यंत्रा। तो इस तरह से हमारे पास सारे ही यंत्राज अवेलेबल हैं, लेकिन यंत्राज के साथ एक लिमिटेशन ये आती है कि एक पर्टिकुलर यंत्रा एक पर्टिकुलर होरा में एक पर्टिकुलर दिन में बनाना पड़ता है। तो अगर आपकी भी लाइफ में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसके आप सोल्यूशंस चाहते हैं और वो आपको पता है कि थोड़ा सा फेट इस तरह का है, किस्मत इस तरह की है, अगर कुछ नंबर मिसिंग है आपकी डेट ऑफ बर्थ में या फिर कुछ नंबर रिपीटेटिव हैं, ठीक है, सो उनके लिए आपको पता है कि आपको नंबर्स का ही वाइब्रेशन कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। सो उस नंबर्स के वाइब्रेशन को कम करने में ही यंत्राज अपने रोल प्ले करते हैं। इनका बड़ा ही सटीक, बड़ा ही इफेक्टिव मैंने देखा है, ट्रस्टेड है, ठीक है, टेस्टेड है, बहुत लोगों को मैं ये दे चुकी हूँ। और ये दे के मुझे खुद से एक ऐसा लगता है कि इसमें मैं अपनी एनर्जी और अपना इंटेंशन भी डालती हूँ। सामने वाले से बात करूंगी पहले मैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यंत्रा बनाएंगे, उसके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी यंत्रा बनाएंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है लाइफ में वो भी डिसाइड करेगा कि उसको यंत्रा हमें कौन सा देना है। सो ये एक मेरी छोटी सी इंटेंशनल हेल्प है, ये मेरी अपनी एक एनर्जी है, इस एनर्जी को मैं कहीं ना कहीं खुद ही बनाती हूँ इसको, ठीक है, और खुद बना के अच्छा लगता है कि हाँ मैं किसी की ना डायरेक्ट हेल्प कर पा रही हूँ किसी ना किसी तरीके से। अब मेरी एनर्जी, मेरी मेरा पॉजिटिव इंटेंशन, मेरी पॉजिटिव एनर्जी भी इस यंत्रा के थ्रू सामने वाले तक पहुँचती है। सो काफ़ी क्लाइंट हैं मेरे जिनको मैंने यंत्राज बना के दिए हैं और उनको लाइफ में बहुत अच्छे इफेक्ट मिले हैं। सो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि अगर आप भी लाइफ में कहीं स्टक हैं, कहीं परेशान हैं और चीज़ों के हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं और सब कुछ कर चुके हैं और हार चुके हैं, किसी भी चीज़ से बात नहीं बन रही है, सो ये यंत्रा भी आपको हेल्प कर सकता है। तो इस यंत्रा के लिए पर्टिकुलर, इसकी बुकिंग कराने के लिए व्हाट्सएप का नंबर है डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी शायद वो डिस्प्ले हो रहा है, उस नंबर के थ्रू आप ना फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यंत्रा के रिगार्डिंग, ठीक है। छोटी सी चीज़ है, इसको आप अपने पर्स में कैरी कीजिए, आप अपने बेड साइड पर रख लीजिए, बच्चे की टेबल पे, स्टडी टेबल पे आप रख सकते हैं, हस्बैंड के वॉलेट में आप रख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको कहीं भी रख के इसका वाइब्रेशंस ले सकते हैं। और पर्टिकुलरली जब आप लेंगे, इसकी बुकिंग कराएंगे, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमने पेमेंट कर दी है तो हमारा यंत्रा क्यों नहीं आया, ऐसे ऐसे जो पोस्टल में टाइम लगेगा, पोस्ट होने में, इसको आप तक पहुंचने में कुरियर का टाइम वो अलग है, और आपकी पेमेंट आने के बाद इसको बनाने का प्रोसेस अलग है, ठीक है। और क्योंकि, और ये पेमेंट आने के बाद ही बनेगा, क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर आपके लिए बनेगा। अब अगर ये किसी के लिए बना है तो ये किसी और को नहीं दिया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से बना है, उसको रिलेशनशिप के इशू है तो उसके लिए बनाया है और उनके हिसाब से बनाया है, तो ये पर्टिकुलरली बनेगा एक्सक्लूसिवली आपके लिए। सो सबसे पहले इसमें होगा कि हम थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे क्योंकि ये शुभ मुहूर्त में कहीं ना कहीं बनाना पड़ता है। और एक, अगर मेरे को सन का बनाना है तो मुझे ये भी देखना है कि वो संडे को बनाना पड़ेगा, अगर मुझे वीनस का बनाना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं शायद उसको फ्राइडे को बनाऊं, अगर मेरे को मार्स का बनाना है तो मेरे को ट्यूसडे को बनाना पड़ेगा, और फिर ट्यूसडे में भी एक पर्टिकुलर टाइम है, और अगर उस टाइम पे मैं नहीं बना पाई तो बात अगले ट्यूसडे जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है। यंत्राज की बुकिंग अगर आप कराएंगे उनकी डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। सो ये मेरी छोटी सी एक हेल्प है जो मैं अपनी इंटेंशनल एनर्जी एक्सचेंज है मेरा, और इसके हमने प्राइस भी बहुत कम रखे हुए हैं क्योंकि इसका प्राइस जो है ना, इसलिए भी मैंने कम रखा है कि इसके थ्रू ना मतलब पैसा कमाना कुछ भी नहीं है, मतलब वो चीज़ें तो एक एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है, आपको भी दिख रहा है यहाँ पे कि कितना मुश्किल है इसको बनाना, इतना इजी नहीं है, और डायरेक्ट एनर्जी एक्सचेंज मेरी आप लोगों के साथ हो रही है। बट इसमें है कि मैं किसी तरीके से ना डायरेक्ट, अब ये मैंने लिखा है तो मेरा कॉन्टैक्ट भी कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जी के बीच में आ गया है, मेरा इंटेंशन, मेरा मेडिटेशन, उस तरह की चीज़ें भी तो मैं भेज रही हूँ ना साथ में, सो उस तरह का सारा इसमें है। सो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और इसका मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी क्योंकि ये यंत्रा बनाना अपने आप में एक ट्रिकी काम है, टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है, बट फिर भी मैंने सोचा कि हाँ कुछ सोल ट्राइब है जो बहुत ज़्यादा परेशान है और हो सकता है इस यंत्रा से उनकी हेल्प की जा सके, सो
सो देख लीजिएगा आप, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसके रिगार्डिंग डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, वो टीम का नंबर है वहाँ पे, आपको सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट ही अवेलेबल है। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। सो अपना ढेर ढेर ध्यान रखिए, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।